अगर किसी से पूछा जाए कि यार आप भोजपुरी जानते हैं, जब बोल के दिखाइए, तो भोजपुरी के बोलने में और कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भोजपुरी में गाली बकते हुए वो बताएगा कि हमको भोजपुरी आती है। आज के परिवेश में 80% लोग ये जानते हैं या भोजपुरी फिल्म ये देखने के लिए जाते हैं कि इसमें अश्लीलता होगी, चलते हैं देखते हैं। पिक्चर चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि जो अश्लीलता कुछ गाने आने ऐसे रख देते हैं, तो हमारे बॉलीवुड में भी आते हैं। हमारी पहली फिल्म जो बनी थी हमका ऐसा वैसा ना समझा, उसमें भी कोई अश्लीलता नहीं थी, और आज की इस फिल्म में भी अश्लीलता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। मैं कई खबरें आप तक लेकर आती हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको ऐसी खबरें दें जो कहीं नहीं मिलती है। खैर, मैं बात कर रही हूं इस फिल्म की जिस सेट पे हैं हमके दिशा मिल गई। इसमें यूनिक चीज़ ये है कि जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं ये उसी फिल्म में थे जो निरहुआ की पहली फिल्म थी जिसका नाम था हमके ऐसा वैसा ना समझो, और इस फिल्म का नाम है हमके दिशा ना मिल गए। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी हीरो का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, तो मैं बताऊँ मैं किसी हीरो का नहीं, लेकिन ये भी एक असली हीरो हैं क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहते हैं। ये निरहुआ के साथ इन्होंने अपना करियर शुरुआत किया था एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि तब के और अब के भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया। तो सबसे पहले अतुल श्रीवास्तव जी का स्वागत करना चाहूँगी यूएनएन मीडिया पे। यूएनएन मीडिया को मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस मंच पर हमको बोलने का मौका दिया। आपने निरहुआ के साथ अपनी शुरुआत की, आज निरहुआ के भाई के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि उस भोजपुरी इंडस्ट्री और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना बीच में कितना बदलाव आया, क्योंकि आपने शुरू से देखा हुआ है। देखिए, जो चेंजेज हुए हैं, एक तो हम आपको ये बता दें कि अश्लीलता को लेकर के जब भी हम लोगों से कोई ये पूछता है कि आप जो भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं तो क्या इसमें अश्लीलता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी पहली फिल्म जो बनी थी हमका ऐसा वैसा ना समझा, उसमें भी कोई अश्लीलता नहीं थी, और आज की इस फिल्म में भी अश्लीलता नहीं है। हम भोजपुरी वाले अपने को ये हिट कर लेते हैं, चाहे वो बनारस का या कोई भी, अगर किसी से पूछा जाए कि यार आप भोजपुरी जानते हैं, जब बोल के दिखाइए, तो भोजपुरी के बोलने में और कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भोजपुरी में गाली बकते हुए वो बताएगा कि हमको भोजपुरी आती है। जहाँ तक रही बात फिल्म की, फिल्म में भी लोग जानते हैं कि भोजपुरी फिल्म बन रही है तो अश्लीलता ज़रूर होगी। तो इस चीज़ को हम आपको इस आपके मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे लोगों को ये बताया जाए कि जैसे साउथ इंडियन में थोड़ा अश्लीलता आती है उसको लोग हाईलाइट नहीं करते, बॉलीवुड में अश्लीलता आती है उसको लोग हाईलाइट नहीं करते, लेकिन अगर एक भोजपुरी साफ़ सुथरी अच्छी पिक्चर बनाई जाए तो उसको लोग सबसे पहले इस पूछते हैं कि इस फिल्म में तो यार अश्लीलता होगी। इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपने मंच के माध्यम से लोगों को बताएं कि अश्लीलता नाम की भोजपुरी पिक्चर नहीं बनती है। 1970 से 90 के दशक में आप देखेंगे राकेश पांडे जी थे, सुजीत कुमार थे, और हम उन लोगों की मूवी आती थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़े, वो मूवी आई, कहीं पर कोई अश्लीलता नहीं थी। लेकिन आज के परिवेश में 80% लोग ये जानते हैं या भोजपुरी फिल्म ये देखने के लिए जाते हैं कि इसमें अश्लीलता होगी, चलते हैं देखते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट की और वही लोगों ने पसंद किया, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसी नज़र से सबको देखा जाता है। होता नहीं कि 100 खूबियाँ हो लेकिन दो खराबियाँ देखी जाती हैं, 98 खूबियाँ नहीं देखी जाती हैं। हाँ, पिक्चर चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि जो अश्लीलता कुछ गाने आने ऐसे रख देते हैं, तो हमारे बॉलीवुड में भी आते हैं। बहुत सारे पिक्चर के नाम नहीं लेंगे, चाहे वो आप अभिषेक बच्चन का ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए, अश्लील गाने होते हैं, वो पिक्चर हिट होती है, लेकिन बॉलीवुड की हिट होती है तो पिक्चर है। भोजपुरी अगर हिट होती है तो कहते हैं लिए अपने अश्लीलता डाल दी, पिक्चर आपकी हिट हो गई। इस चीज़ को लोगों के दर्शक जो हमारे हैं उनके दिमाग से इस बात को हटाना होगा कि भोजपुरी पिक्चर का मतलब नहीं है कि ये अश्लील पिक्चर है। आपने निरहुआ को तब देखा है जब वो पहली बार इंडस्ट्री में आए थे, तब के निरहुआ और अब के निरहुआ में कितना फ़र्क है? बहुत चेंजेज हो गए। निरहुआ उस समय जिस समय हमारे फर्स्ट इस मूवी में पहली बार आए थे एज ए हीरो, तब से लेकर के आज तक तो निरहुआ हो गया। पूरा आजमगढ़ सांसद चुनाव लड़ रहा है, उसके पीछे एक जनता का समूह चल रहा है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी का है, समूह चल रहा है, तो ठीक है और बढ़िया है, प्रोग्रेस करें। हम ये भी चाहेंगे कि परवेश लाल यादव भी इसी तरह से आगे बढ़े, ये भी हमारे इस पिक्चर के पहली बार एज ए हीरो इंट्रोड्यूस हुए हैं। आपको क्या लगता है कि निरहुआ के बाद पीछे पीछे परवेश जी भी राजनीति में आ सकते हैं? ये तो वक्त ये बताएगा। अगर निरहुआ को बीजेपी ले रही है तो हो सकता है कि आपस में लड़ाने के लिए सपा या बसपा उसको प्रवेश को ले ले, लेकिन समय है जिसकी बाजी है, वक्त बताएगा। खैर, अतुल जी का तो यही कहना है कि सारी इंडस्ट्री में थोड़ी ना थोड़ी अश्लीलता है, सिर्फ भोजपुरी को ही क्यों निशाना साधते हैं। सो थैंक यू सो मच अतुल जी बात करने के लिए। मैं एंड में यही चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनसे कुछ आप दो लाइन कहना चाहेंगे, और होली भी है तो आप उनको बधाई देना चाहेंगे।
देखिए होली आ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारे डायरेक्टर से, एक होली सॉन्ग रखना चाहिए था। होली में अगर होली सॉन्ग रखते तो इस मौके पर वो सॉन्ग थोड़ा सा हिट होती, लोगों के बीच में जाता, थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान के दर्शकों से, पूर्वांचल के दर्शकों से, भोजपुरी के दर्शकों से अनुरोध करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थिएटर में जाए, थिएटर मूवी है, पिक्चर हॉल में लगेंगे और आप सभी लोग इस पिक्चर को हिट करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारे हीरो हीरोइन का मनोबल बढ़ाएं, हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं, ख़ास तौर से उनका मनोबल बढ़ाएं जो कैमरे के बाहर पीछे हैं। और इस मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा अगर यंत्र है वो है मीडिया। यूनियन वालों से मैं अनुरोध करूँगा इस मीडिया के साथ इसको पब्लिक के सामने रखें। थैंक यू सो मच। तो ये थे अतुल श्रीवास्तव जी, जिनका सच में जो विचार है काफ़ी अच्छा है और मैं भी इससे एग्री करती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री या भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर जो लोगों की नज़रिया है उसमें थोड़ा तो बदलाव आओ। खैर, ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ मैं खुशबू सिंह।